यूपी के सहारनपुर में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसक घटनाओं के बाद भीम सेना चर्चा में है। हिंसा के पीछे जहां इस संगठन के नाम आ रहा, तो यूपी में दलितों के मुद्दे पर भीम सेना बीएसपी से ज्यादा सक्रिय देखी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि भीम सेना जितनी ताकतवर होगी, बीएसपी उतनी ही कमजोर होगी। कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत नए अध्याय की ओर जाती दिख रही है। साल 2014 और 2017 के चुनाव में बीएसपी की करारी हार के बाद बीएसपी अब खत्म होती पार्टी दिख रही है। ऐसे में भीम सेना का उदय होना सियासत के लिए नए संकेत हैं। मौजूदा वक्त में बीएसपी को बीजेपी और समाजवादी पार्टी से ज्यादा खतरा भीम सेना से है। पिछले दिनों पश्चिमी यूपी में भीम सेना की पकड़ बहुत तेजी से मजबूत हुई है और अब वो तेजी से पूर्वांचल की ओर बढ़ रही है। सहारनपुर में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उसमें कहा गया है कि बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मायावती के भाई आनंद कुमार ने भीम सेना की मदद की। हालांकि मायावती ने खुद की पार्टी से भीम सेना के संबंध से इनकार किया है। भीम आर्मी के नेटवर्क के विस्तार पर खुफिया एजेंसियां तब चौकन्नी हुई जब दिल्ली में जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने हजारों की भीड़ जुटाकर सहारनपुर में दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। खुफिया एजेंसियों को तभी शक हुआ कि किसी मजबूत समर्थन और मोटा पैसा जुगाड़ किए बिना इतनी जल्दी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना संभव नहीं है। ऐसे में अब यूपी पुलिस के सामने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावड़ को पकड़ने की चुनौती है, जो 9 मई से ही फरार चल रहा है। सरकार को भेजी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सहारनपुर में हिंसा के लिए जिम्मेदार बताई जा रही भीम आर्मी ने ताकत पेटीएम और फेसबुक के जरिए बढ़ाई। आर्मी के लिए चंदा जुटाने के लिए भी फेसबुक और पेटीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी ने आपस में फेसबुक पर पेटीएम नंबर तक जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक भीम सेना चंदा जुटाने और सदस्य बनाने के लिए भी फेसबुक का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भीम आर्मी के वॉलेंटियर पत्थर फेंकते वक्त कपड़ा बांधकर पहचान छिपाते हैं। यह तरीका उन्होंने कश्मीरियों से सीखा है, जो मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थर फेंकते हैं। 9 मई को भीम सेना के लोगों ने इसी तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भीम सेना की शुरुआत तब हुई जब दलित विचारक सतीश कुमार ने दलित समुदाय में शिवसेना की तरह दलितों का संगठन बनाने का विचार रखा। वो इसके लिए लीडर की तलाश में थे। AHP कॉलेज की घटना के बाद उन्होंने चंद्रशेखर को भीम सेना का संस्थापक बना दिया। भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर 2008-09 के बीच दलितों में पॉपुलर हुआ। उस वक्त वह सहारनपुर के AHP इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। वहाँ उसने दलितों के लिए अलग पानी का नल होने पर आपत्ति जताई और राजपूतों का विरोध किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉलेज में दो अलग नल थे, एक से दलित पानी पीते थे तो दूसरे से उच्च वर्ग के छात्र, जिनमें ज्यादातर राजपूत होते थे। चंद्रशेखर ने इस भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके बाद से चंद्रशेखर का काफी नाम हुआ। 17 अप्रैल 2016 को सहारनपुर के दरियापुर गांव से दलितों की बारात गुजरने का उच्च वर्ग ने विरोध किया। भीम सेना ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भीम आर्मी अब पश्चिमी यूपी के साथ पंजाब और हरियाणा में भी लोकप्रिय हो चुकी है। आज भीम सेना के 7,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। वही भीम सेना के अपने तर्क हैं। उनका कहना है, हम दलितों पर हो रहे जातियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सहारनपुर हिंसा के विरोध में 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों दलितों ने प्रदर्शन किया। भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ जय भीम के नारे लगाते लोगों के हाथों में कई पोस्टरों पर चंद्रशेखर की भी तस्वीरें थी। संगठन के मुताबिक, हमें देश के संविधान में यकीन है, लेकिन हमें नक्सल बताया जा रहा है।
क्योंकि हम पुलिस के छापों में मासूम नौजवानों को हिरासत में लेने का विरोध करते हैं। हमें धमकी मिल रही है, भीम सेना कुछ भी कहे, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ भी कहे, ऐसे में सूबे की जनता खामोश है, सब कुछ एक तमाशे की तरह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।